हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग हैं होटल पे, द्वारिका के होटल पे। और आज पूरा लगभग तैयार हो चुके हैं यहाँ से निकलने के लिए। और जो घूमने का था मंदिर वगैरह पे, कल शाम तक घूमे हैं और घूमने के बाद आज हमारा जो है दूसरी जगह पे जाने का है। यहाँ से कहाँ जाएंगे? हाँ, सोमनाथ के लिए हमें निकलना है। और उसके लिए क्या है, 9:30 बजे तक यहाँ से बस है, तो वहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे बस से। ये सवेरे का था, 6:30 बजे के आसपास का बस भी था। तो सवेरे क्या है, कल से सोए नहीं थे ट्रेन की वजह से, और ट्रेन में जैसा कि जानते हो सोने वोने तो मिलता नहीं है, तो आज यही मिला था आराम करने के लिए। कल सवेरे यहाँ आए थे 10 बजे और आज 9 बजे तक हमें यहाँ से निकलना है गोमती तट। हाँ, यहाँ जो है गोमती तट घूमे थे और द्वारिकाधीश जो भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर है, तो वहाँ लगभग 6 बजे द्वार वहाँ खुला था, तो वहाँ भी श्री कृष्ण जी के दर्शन किए थे। वीडियोस का पूरा वो चीज़ें नहीं मिल पाई क्योंकि कुछ सिक्योरिटी पर्पस के चलते वहाँ मोबाइल वगैरह बंद कर दी गई थी, तो वैसे बाहर से कुछ वीडियोस ली है, फुटेज और फोटो वगैरह, तो वो मैं वीडियोस में डाल दूंगा तो आप सब देख सकते हैं। और आज तो फिलहाल यहाँ से निकलना है और यहाँ आराम किए, काफ़ी ठीक लगा, रूम भी बढ़िया था, साफ़ सुथरा जो है और अच्छा जो चीज़ें हैं और क्या बोल सकते हैं, बाथरूम्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे और व्यवस्था मेरे ख्याल से सही थी, अच्छी थी, सर्विसेस जिसको बोलते हैं, तो सर्विस यहाँ की अच्छी थी। और अभी निकलना है, बैगिंग बैग वगैरह सारा चीज़ पैक हो चुका है। ये यहाँ है हमारा बैग और उसका बैग, बहुत सारी सामान हो चुकी है क्योंकि इधर उधर अलग अलग जगहों से अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं, छोड़नी पड़ जाती हैं, तो ऐसा करके 4 बैग हो चुके हैं। और आज हमारा ये मेरे ख्याल से 4th दिन है, मतलब 4 दिन हो गए हमको घर से निकले हुए रायपुर से। और पहले सूरत पहुँचे, सूरत से फिर द्वारिका आए और द्वारिका से अभी हमें जाना है सोमनाथ, और सोमनाथ जाना पड़ेगा अभी बस से क्योंकि यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं है। तो अब नया अपडेट, नया चीज़ अब देखेंगे सोमनाथ में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, घूमने को मिलेंगी। वैसे यहाँ भी काफ़ी अच्छा था, अगर आप आना चाहो किसी भी टाइम में तो काफ़ी अच्छी जगह है ये, और काफ़ी शांत माहौल भी है, और मंदिर काफ़ी सारे हैं, पुराने जो चीज़ें हैं द्वारिका की वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, और मंदिर भी काफ़ी अच्छा है श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान जी का, तो आप आके घूम के अच्छे से यहाँ से दर्शन आप करके जा सकते हैं। तो बस यही था आज का ये छोटा सा वीडियो, और कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे। होटल्स वगैरह भी काफ़ी सस्ती हैं, कोई ज़्यादा महंगा आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या फिर 2 दिन ठहरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं है। पास में बहुत सारे होटल्स हैं, काफ़ी जगह मैं देखा तो काफ़ी महंगी महंगी होटल्स आपको मिलेंगी, लेकिन हम लोग लगभग 3 से कितना चार्ज लगा था, हाँ, होटल का 1000 रुपये के आसपास दोनों लोगों का यहाँ पे चार्ज लगा है। और ठीक है, वैसे अच्छी बाथरूम है, सोने के लिए पंखा वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर आइए। सो ये अभी हमारा लास्ट टाइम है और यहाँ से हम जो है चलते हैं, और आगे जो चीज़ें होंगी उसको वीडियोज़ आएंगी, और मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग सोमनाथ पहुंचे हुए हैं और सोमनाथ हम लोग बस से आए क्योंकि कोई ट्रेन वगैरह नहीं थी। पीछे आप देख पा रहे होंगे तो ये है बस स्टैंड और इस बस स्टैंड के पास में ही हमारा जो है होटल है। नया अभी फिर से एक होटल लेना पड़ा यहाँ रुकने के लिए, तो अभी वहाँ चलेंगे। काफ़ी मुश्किल टाइम निकला अभी क्योंकि बस में 6 से 7 घंटे लग गए बैठे बैठे। और तो होटल के लिए निकलते हैं क्योंकि बोलने की कुछ इच्छा ही नहीं हो रही है और काफ़ी टाइम से जो है होटल में ही बस में ही बैठे थे।